इसमें देखिए कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से विषम को पहचानना है, इसमें विषम कौन है, इसको विषम को पहचानने के लिए इसमें क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर पाँच है और यहाँ पाँच है, तो पाँच को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, पाँच को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दस हो जाएगा, और दस का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सौ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सौ। तो देखिए यहीं पर सौ जो है यहाँ पर सौ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत। अभी आप देखिए सात है यहाँ पर पाँच है, तो सात को पाँच को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, सात और पाँच जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सात पाँच बारह हो जाएगा। तो जिस तरह इसको स्क्वायर किया उसी तरह भी इसको भी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, कि देखिए यहाँ पर 144 दिया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको जोड़िए, छः और नौ को जोड़ेंगे, जिस तरह यहाँ पर सबको जोड़े हैं उसी तरह इसको भी जोड़ेंगे, छः और नौ, तो छः और नौ कितना होता है, छः नौ पंद्रह होता है। तो जिस तरह इसको स्क्वायर किए हैं उसी तरह इसको भी स्क्वायर करेंगे, तो पंद्रह को दो बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 225 दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आठ और नौ, तो आठ को और नौ को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आठ और नौ सत्रह हो जाएगा। तो जिस तरह इसको स्क्वायर किए हैं तो उसी तरह भी इसको भी स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने के बाद कितना आना चाहिए, 289 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना दिया है, 321, यही विषम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबका मिल जा रहा है, यहाँ सौ है तो यहाँ पर सौ आया है, यहाँ पर 144 है तो यहाँ पर 144 आ गया है, यहाँ 225 है तो यहाँ पर 225 आ गया है, लेकिन यहाँ पर 289 आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 321 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर यही है, क्या है, ऑप्शन डी विषम है। तो सब समान है, ये भी समान है और ये भी समान है और यह क्या है, विषम है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे रीजनिंग का कुछ टॉपिक लग रहा है, जो कि प्रत्येक रीजनिंग जो है पिछले एग्जाम NTPC और ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व कराना सिखाएंगे कि इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने से पहले, तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। लेकिन शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों पास शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि चार बच्चे PQRS, कितने बच्चे हैं, PQRS, चार गो बच्चे हैं, एक सीढ़ी के ऊपर है, क्या है, एक सीढ़ी के ऊपर है, तो P सीढ़ी पर, Q से ऊपर है और Q P और R के बीच में है, तो S P से भी ऊपर है, तो नीचे तीसरा कौन है। तो इसमें देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या एक तो सीढ़ी है, क्या है, यहाँ पर एक सीढ़ी है, इस पर चार बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, चार बच्चे हैं, तो कह रहा है कि यहाँ पर देखिए पी जो है सीढ़ी पर क्यू से ऊपर है, तो मान लीजिए पी कहाँ है, पी जो है क्यू से ऊपर है, तो हम कहें भी क्यू का मान रखेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर क्यू यहाँ पर रख रहे हैं, तो कह रहे हैं कि पी सीढ़ी पर क्यू से ऊपर है, तो क्यू से क्या है, ऊपर यहाँ पर है, और ये नहीं कह रहा है कि एक नंबर ऊपर है कि या दो नंबर है ऊपर है, इसीलिए मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पी में इसका ऊपर यहाँ पी में है, ठीक है, क्यू के ऊपर पी है, यहाँ कह रहा है कि पी सीढ़ी के सीढ़ी पर है, क्यू से ऊपर है। उसके बाद कह रहा है कि क्यू जो है पी और आर के बीच में है, क्यू जो है पी और आर, क्यू जो है पी और आर के बीच में हो गया, क्यू पी और आर के बीच में है, तो क्यू जो है P और R के यहाँ पर बीच में हो गया, ठीक है। अब कह रहे कि S P से भी ऊपर है, S जो है S लड़का है वो P से क्या है, ऊपर है, तो P यहाँ पर है तो P के तो यहाँ नीचे हो गया, लेकिन कह रहे कि S जो है P से ऊपर है, तो S यहाँ पर बैठना चाहिए, ठीक है, तो S सबसे ऊपर हो गया और P दूसरे नंबर पर, Q तीसरे नंबर पर और R चौथे नंबर पर, तो कह रहे कि नीचे से तीसरा कौन है, नीचे से, तो नीचे से तीसरा ऊपर जाएंगे तो तीसरा, एक दो तीन, तो तीसरा कौन हो नीचे से, पी है। अगर कहेगा ऊपर से, ऊपर से कहेगा कि ऊपर से तीसरा कौन है, तो ऊपर से देखेंगे कि एक दो तीन, ऊपर से कहेगा तीसरा तो क्यू हो जाएगा और नीचे से कहेगा तीसरा तो एक दो तीन पी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हम आपको बी में दिया है। तो देखिए ट्रिक अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों पास शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप क्वेश्चन में कह रहे हैं, आगे देखिए आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में एपियर का कोड 30 है,
यहाँ पर कह रहे हैं कि ए पी और ए डबल पी ई ए आर का कोड 30 है, तो हम देखेंगे ए पी पी ई ए आर, तो यहाँ पर ए का कोड कितना होता है, तो ए का कोड 1 होता है, और पी तो पी का कोड कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर पी का कोड कितना हो जाएगा 16। पी कितना स्थान पर है, 16 स्थान पर है, और ई 5 स्थान पर आता है, और ए पहला स्थान पर आता है 1 नंबर पर, और आर जो है 18वां नंबर पर आता है। तो देखिए यहाँ पर इसको सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 30 आना चाहिए, यानी कि एपियर का अर्थ है 30, इसको जोड़िए घटाइए या गुना कीजिए तो यहाँ पर 30 लाना है। तो मान लीजिए इसको हम सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 30 से क्या होगा, अधिक हो जाएगा, इसको जोड़ने पर 30 से अधिक हो जाएगा, तो इससे इस तरह इसको जोड़ने से नहीं बनेगा, जोड़ने से नहीं बनेगा। तो इसको देखें कि इसको कितना लेटर है, तो 1 2 3 4 5 6 पूरा लेटर कितना है, 6 गो है, तो 6 में क्या चीज़ से गुना करेंगे कि यहाँ पर 30 हो जाएगा, तो 6 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो जिस मेथड से इसको बनाया है उसी मेथड से इसको भी बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कंपनी है COMPANY, तो हम इसको क्या किए हैं कि सभी लेटर को गिना है, तो काउंट करके यहाँ पर लिखे हैं। अब यहाँ पर देखिए 6 है, तो 6 के जस्ट कम क्या होता है, जस्ट 6 के तुरंत कम क्या होता है, तो 5 होता है, तो उसी तरह इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, कितना लेटर है, 7 गो, तो 7 से जस्ट कम कौन सा संख्या आएगा, तो 6 आएगा, यानी कि 7 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो जिस तरह इसको बनाया है उसी विधि से, उसी मेथड से इसको भी बनाना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए हम 6 है तो 6 को 1 कम कर दिए तो 5 आ गया, यानी 6 में 5 से गुना कर दिए तो 30 हो गया है। उसी तरह 7 को लेटर है तो 7 में 1 कम कर देंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 में गुना कर देंगे तो 42 हो जाएगा। इसी मेथड के द्वारा ये रीजन को बनाया जाता है। तो देखिए 42 जो ऑप्शन बी में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरह बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 7 है और 3 है, यानी कि 73 + 82 बराबर कितना है, तो 26 है, कितना है, 26 है। तो इसको हम किस तरह बनाएंगे, तो इसको देखिए किस तरह करना है, यहाँ पर 7 और 3 है तो दोनों अंक को जोड़ दीजिए, और फिर 8 और 2 है तो इस दोनों अंक को जोड़ दीजिए, तो 7 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और फिर 8 को और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 गो। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर, तो इसको देखिए यहाँ पर दोनों को 10 को और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये हमको कितना लाना है, 26 लाना है। तो अब इसको क्या करेंगे, 8 और 2 को जोड़ेंगे नहीं, इसको गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे, तो 8 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब देखिए इसको 10 को 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब है, यानी कि पहले वाला अंक में जोड़ेंगे और दूसरे वाला में गुना करेंगे, उसी तरह इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे या दोनों को गुना करेंगे, तो 9 गो आएगो कितना हो जाएगा, 9 गो एगो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और फिर 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो गया। देखिए कितना अच्छा लगा है। उसी तरह इसको भी करेंगे, 8 को और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें जोड़े हैं तो इसमें भी जोड़ेंगे तो 8 6 14 हो जाएगा, और फिर प्लस है तो प्लस, इसमें देखिए यहाँ पर गुना किए हैं ना, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 8 कितना होता है, 22 होता है, ठीक है। तो देखिए ट्रिक अच्छा लगा है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 13 25 52, इसको सॉल्व किस करके कितना लाना है, यानी कि इसको जोड़िए घटाइए गुना कीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर व्हाट कर रहा है, यहाँ पर यानी कि दोनों को क्या किया जाए, जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुना करेंगे कि यहाँ पर कुछ अंक आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 12 और 15, इसको देखिए 12 और 13 जो है इसको जोड़ेंगे तो 12 को 13 को कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर हो जाएगा 25 को, कितना हो जाएगा, 25। तो इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, यानी 5 जो फर्स्ट में है तो यहाँ पर चल जाएगा, और 2 यहाँ पर तो यहाँ पर चल जाएगा, 5 जो फर्स्ट में है तो यहाँ पर सेकंड में आ गया, और 2 सेकंड में है तो यहाँ फर्स्ट में आ गया। उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 27 को 24 को कितना होगा, 7 4 11 1 1 हाथ में 1 2 2 4 1 5 51 हुआ। तो फर्स्ट को
सेकंड में कर देंगे या सेकंड को फर्स्ट में कर देंगे। तो देखिए वन यहाँ पर आ गया, फाइव यहाँ पर आ गया है। उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे, 27 को 37 को जोड़ेंगे तो 7 7 14 के चार हाथ में एक और 3 को 2 को 5 को कितना हो गया 5। तो क्या करेंगे, इसको फर्स्ट में है तो इसको लास्ट में करेंगे और इस लास्ट में है तो इसको फर्स्ट में करेंगे, 45 हो जाएगा। तो देखिए आपका आंसर कितना हो गया 45, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कितना दिया, यहाँ पर ए में दिया, यहाँ 45 होना चाहिए। अब इसको देखेंगे कि यहाँ देखिए 16 है, यहाँ 15 है और यहाँ पर 13 है, लेकिन यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर जोड़ घटाव गुना भाग कुछ नहीं दिया है यहाँ पर। उसके बाद इसको सॉल्व करके कितना लाना है, 42 लाना है। यहाँ पर देखिए 60 है, 16 है और 12 है, तो इसको भी सॉल्व करके 64 लाना है। तो जिस तरह इसको सॉल्व करेंगे उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे और जिस तरह इसको सॉल्व करेंगे उसी तरह सॉल्व करके इसको भी आंसर लाना है। तो यहाँ पर देखिए 16 है तो 16 15 और 13 दिया है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 3 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 8, 8 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, यहाँ पर 14 लिख देंगे। फिर देखेंगे एक और फिर यहाँ पर एक है तो कितना हुआ, 2 2 गो 1 गो 3 गो, यहाँ पर 3 लिख देंगे और 3 में 14 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 42 आ गया। तो इसी तरह इसको भी सॉल्व करके यहाँ पर कितना लाना है, 64 लाना है। तो सॉल्व कीजिए, 60 *16 *12 = 64। तो देखिए यहाँ पर 2 6 8, 8 0 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 1 1 2 2 6 8 कितना हो गया, 8 हो गया। अब दोनों संख्या को जिस तरह यहाँ गुना किए हैं उसी तरह इसको भी क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 8 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको सॉल्व करके आंसर लाना है, यानी कि 14 *17 *26। तो देखिए यहाँ पर 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 4 13 4 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर 17 लिखेंगे, उसके बाद इसको जोड़िए 1 1 2 2 2 4, यहाँ पर 4 लिखेंगे। जिस तरह यहाँ पर गुना किए हैं और यहाँ पर गुना किए हैं उसी तरह इसको भी गुना कर देंगे तो 17 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। इसको आपका आंसर कितना आ गया, 68, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में है कि Z3E है, तो Z3E है, उसके बाद U6C P12A। तो यहाँ पर क्या है, व्हाट है, यहाँ पर क्या आएगा, यही लिखना है, 24 और Y है। तो यहाँ पर देखिए 3 2 6 हो जाएगा और 6 2 12 हो जाएगा और 12 2 24 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो ठीक है। अब देखेंगे जेड है, तो जेड यहाँ पर थर्ड स्थान पर है तो यू भी यहाँ पर थर्ड स्थान पर है, तो जेड में से कितना घटाएंगे कि यू आएगा, तो जेड में से -5 घटाएंगे तो यू आ जाएगा। फिर यू में से कितना घटाएंगे कि पी आएगा, तो यू में से -5 घटाएंगे तो पी हो जाएगा, ठीक है। फिर पी में से कितना घटाएंगे कि, तो P में से 5 घटाएंगे, -5 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, क्या आएगा, K, तो यहाँ पर K हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप क्या क्या हुआ है, K हुआ है, तो यही आपका K आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए आप K हो जाएगा और यहाँ 24 दिया तो 24 लिखेंगे और Y है तो Y हो जाएगा, यानी K 24 Y, तो ये यहाँ पर लिखा है K 24 Y हो गया, यही आपका आंसर हो गया।